ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी। ये पूरा जितना नीचे पूरा देहरादून है और हम अभी जो ये साइड से जो दिख रहा है पूरी ये चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। गाइस इस लड़के की हालत देखो। सो गाइस वी हैव स्वैप्ड आवर साइकिल्स। भाई बहुत ज़्यादा थक चुका है तो मैंने कहा चलो उस मैगी पॉइंट तक का मेरी चला ले। मैं इनकी नॉन गियर चला के देखता हूँ। तो गाइस हम हैं अभी हाथी पाँव में। जॉर्ज एवरेस्ट 2 किलोमीटर नीचे की तरफ को है और भीड़ आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी सारी भीड़ है। ये ऊपर को देहरादून वाला रास्ता जाता है, नीचे से हम आए और नीचे अपना जॉर्ज एवरेस्ट। भाई भी है पानी और सर और दौरा बताओ जैसे वैसे मैं इसको यहाँ तक ला चुका हूँ। लंबी दरी माइंस में रुकने का हमारा प्लान था पहले, फिर हमने वो कैंसिल कर दिया और जैसे तैसे इसको मना मुनी के मैं यहाँ तक पहुँचाया है। अभी नीचे जाते हैं फिर ऊपर का सीन दिखाते हैं। हाँ तो गाइस जॉर्ज एवरेस्ट की क्लाइंब शुरू कर दी है। बढ़िया सी सीनरी है। क्लाइंब भी क्या दिखानी है आपको, वैसे तो क्लाइंब मोस्टली जो आए हैं लोग आपने देखी होगी यहाँ की। हाँ गाइस आपने सुना होगा वैसे जब मंजिल पास होती है आपको थकान नहीं लगती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई है। गाइस वी आर एट बेस कैंप। बेस कैंप भी कहेंगे इसे हम। पीक तो बहुत ऊपर है। वो ऊपर को चलना, ऊपर रुकेंगे। अबे ऊपर को चल तो ऊपर रुकेंगे ना। So guys we are at base camp of the George। ऐसा कि दिखता है कुछ सीन्स यहाँ के। और जो मेन जो हमारा जो पीक है टॉप है वो ऊपर टॉप में है और यहाँ से जो नज़ारे हैं कुछ ऐसे हैं। अगर क्लियर दिख रहे हैं तो पूरा मतलब बेसिकली पूरा देहरादून वाला जो सेक्शन है पूरा सिटी दिखती है यहाँ से। और यही है कुछ यहाँ के हाल। अभी तो यहाँ से ऊपर को ट्रैक चालू होगा, उस ऊपर को जाना है। जाना तो ठीक है लेकिन आते वक्त काफ़ी दिक्कत होने वाली है ऊपर से, क्योंकि चढ़ाइयों की वजह से। चलो जाना तो ऊपर ही है, देखते हैं कैसे होता है, करेंगे ज़रूर लेकिन। आई थिंक सो मुझे अपना प्रेशर थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। प्रेशर कम करके थोड़ी सी हेल्प मिली। उठा दो भी। आराम से। मेरी साइकिल तो कोई भैया ले जा रहे हैं ऊपर तक, फोटो वोटो खिंचाई और ऊपर को ले जा रहे हैं। और ये आजा भाई, थोड़ी मेहनत कर, आजा आजा। हो जाएगा। गाइस ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी ऊपर वाले इसमें साइकिल मत लेके आना। ये मतलब काफ़ी देख रहे हो कंकड़ कंकड़ रास्ता है, चलने में फिसल रहा है, लेकिन हम तो ऊपर जाके रहेंगे। हम आधे आ चुके हैं क्योंकि आधे से वापस नहीं जाएंगे। बट इट इज़ अ डिस्क्लेमर फॉर यू दैट इसमें कभी मत लाना साइकिल, भले ही नीचे रख लेना। पानी की बोतल। तो गाइस ये है मेरी साइकिल, ये नहीं, और ये है अपना जॉर्ज एवरेस्ट। मतलब है तो ऊपर पर, मतलब यही है बेसिकली, लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह सारी ऊपर की दिखेंगी आपको। लेकिन ऊपर जाना इसके साथ थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम नीचे आ गए। यहाँ पे बढ़िया सा व्यू एंजॉय करने गाइस चल रहा है। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है साइकिल के साथ बेसिकली। मतलब यू नो चैनल सब्सक्राइब करवा लिया तो फोटो शूट करने देते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस आ चुके हैं पहाड़ी के ऊपर भी, पहले नीचे थे तो अब चोटी के ऊपर भी आ चुके हैं। ये रही अपने झरनों और ये रहे कुछ सीन्स यहाँ के। I know I've broken promises. I'm way too good at keeping you from getting you. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. 'Cause I'm thinking back to 17. So guys, पीक से थोड़ा नीचे आ चुके हैं। नीचे यहाँ पर हमारा एक मैगी पॉइंट है बेसिकली। जो हमने इस बंदे की साइकिल थी वो यहाँ रखी थी, तो ये जगह है। तिरपाल थोड़ा उड़ चुका है ऊपर से, छत से, हवा की वजह से। बढ़िया सी जगह है, तो हमने यहाँ पर वेज मैगी मंगाई है। थोड़ा प्राइस हाई है, लेकिन क्या है कि जो चीज़ आप जहाँ जाओ वहाँ का जो चीज़ है उसे टेस्ट ना करो तो मतलब फीका फीका सा लगता है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा प्राइस हाई क्यों ना हो, मैगी खा के जाएंगे। वेज मैगी जो है उसमें 70 रुपये की है, प्लेन मैगी 60 रुपये की है, और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए वो शायद 80 या 100 की है। तो दिखाते हैं आपको मैगी आती है तो कैसी है, कैसा उसका टेस्ट है, वो सब बताते हैं आपको, ताकि जब आप आओ और मन करे तो आपको ये रहे कि हाँ भाई अच्छी टेस्ट की है, खा लेते हैं। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी मैगी, खाते हैं। तो गाइस उससे नीचे आ चुके थे, उतर चुके थे। ये है जो एंट्रेंस जहाँ मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, यहाँ से नीचे जाने का है। तो ऊपर पहुँच चुके हैं। अब जो यहाँ से है हम सीधे देहरादून जाएंगे, जो बेसिकली अराउंड, पक्का नहीं कहूँगा, अराउंड 40 किलोमीटर है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो पूरा डाउनहिल होने वाला है, अपहिल उसमें बहुत कम होगा। और मेरे ख्याल से जितना भी कवर होना चाहिए वो पार्ट मैंने ऊपर आते वक्त दिखा दिया था। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अभी हो रहा है टाइम 4:30। अभी थोड़ा वहाँ बैठे फ़ोटो वगैरह, रील वगैरह शूट करिए। रील वगैरह देखनी है तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा गाइस। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आईडी आपको फ्लैश हो रही होगी आगे पे डिस्प्ले पर आपकी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी मतलब हेक्टिक सा डे था। मेरा सर भी बहुत गर्म हो चुका है, टेम्परेचर नापोगे तो 110 के बाहर तो जाएगा, काफ़ी गर्म हो चुका है। और ऐसी था, मतलब मज़ा आया। इस बंदे की फटी भी बहुत तगड़ी, लेकिन इसने मैंने मोटिवेट कर करके इसको पूरा ऊपर तक पहुंचाया। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।